हे गाइस, वेलकम बैक टू अंकुश फैमिली व्लॉग। मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। तो हम फाइनली मिल रहे हैं 3 महीने के बाद। इसके पहले के व्लॉग में मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, इसके बाद मेरी डिलीवरी हुई और मुझे हुआ बेबी बॉय, और जिसका नाम है नीव। वो 3 महीने का होने वाला है, तो आज हमें उसके लिए फ़ोटोशूट करवाने जाना है। और हम लोग पहुंच गए फोटोग्राफी के लिए, तो जो हमारी थीम थी उसके हिसाब से हमें कपड़े दिए गए थे। तो मैं वो न्यू को पहना रही हूँ, और आप ये देखो छोटे छोटे कितने अच्छे प्रॉप्स से क्यूट लग रहे हैं बहुत ही, और बहुत सारे यहाँ पे प्रॉप्स है। और हमारी वैसे तो ये थीम है क्रिसमस वाली, तो यहाँ पे न्यू का फोटोशूट होने वाला है, पर अभी तक मैम आए नहीं है। और थीम के हिसाब से मैंने नीव को कपड़े पहना दिए। कपड़े तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, पर इतने शॉर्ट थे तो हमें कपड़े को चेंज करना पड़ा। और मैं यहाँ पे नीव को दूध पिला रही हूँ, क्योंकि अभी मैम नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि वो भूखा होगा तो फिर वो फोटोग्राफी नहीं करने देंगे, इसलिए मैं पहले उसको दूध पिला के अच्छे से वो रहे, इसके बाद फोटोग्राफी शुरू करें। तो यहाँ पे अभी फोटोग्राफी शुरू हो गई है, और ऐसे मैम ने उसे बैठा दिया है, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि हम अभी तक उसको कभी हमने बैठाया नहीं है इसलिए। और इसके बाद हम रात को गए खाने के लिए बाहर, और ये नीव देखो घर पे शांति से सोया हुआ था, यहाँ पे आके जग गया। अभी ये पता नहीं है कि ये हमें खाने देगा या नहीं देगा, कोई एक को तो फिर पीछे रहना पड़ेगा उसके रखने के लिए। और ऐसे हम सब लोग खाना खा के फिर घर पे गए, और ये नीव देखो हमने ऊपर ऐसे टॉय लगा दिया है तो वो हिलता रहता है, तो वो देखते देखते वो खेलता है इसके साथ, और थोड़ा टाइम भी चला जाता है। और दोपहर को मम्मी बना रहे हैं कॉफ़ी, पर किस से वो बना रहे हैं, मेथी की कॉफ़ी। मेथी से, मेथी दाना होता है उसको रोस्ट करके फिर दूध में ये मेथी दाना का पाउडर डाल के शुगर डाल के मेथी की कॉफ़ी बनाई जाती है। तो ये मेरे मामा है, उसने ये रेसिपी दी है, तो फिर हम उसको पूछेंगे। मामा कैसी बनी कॉफ़ी? बढ़िया बनी। बढ़िया बढ़िया, आप जैसे बना तो ऐसी बनी? ऐसी नहीं बनी है, थोड़ी सी वाइट बनी है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आए हुए थे राजकोट से, तो वो भी अभी उसको राजकोट जाना है, तो इसलिए कॉफ़ी ट्राई की, और सबको इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि थोड़ा मेथी दाना कच्चा था, थोड़ा डार्क होना चाहिए, तो वो अच्छी रहती है, ऐसे सब लोग बनाते हैं। और शाम को मेरे घर पे आए मेरे दादी है, वो आए हैं, और वो नीव को देखने के लिए आते ही है, और ये मेरी मम्मी, हम सब लोग बैठे हुए हैं। और ये नीव देखो, नीव के मामू नीव को ऐसे करके फिर वॉक करते हैं, तो नीव को बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे बच्चों को तो वैसे सोना बैठना वो अच्छा लगता ही नहीं है। और रात को घर पे बन रही थी सैंडविच, तो सैंडविच अभी बन चुकी है, और मेरे दादी माँ सैंडविच खा रहे हैं, और मेरे पापा सैंडविच नहीं खाते क्योंकि ब्रेड और मैदा होता है इसलिए। तो उसके लिए बन रहे हैं बैंगन का भरता और रोटलो। और यहाँ पे नीव सोया हुआ है, उसको हम ऐसे लेटा देते हैं, तो वो इधर उधर देखते रहते हैं, और हमारा खाना भी हो जाता है, तो वैसे दोनों काम हो जाते हैं। और जो मेरे व्यूअर है उसने मुझे ये बोला था कि आप एक गुजराती में वीडियो बनाए, कितनी सारे कमेंट थी गुजराती के लिए, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो गुजराती में होगा सिर्फ आपके लिए। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी हॉस्पिटल जर्नी और मेरे न्यू का, मेरे बच्चे का फर्स्ट मंथ फोटोशूट, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए।